हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर ओप्पो फ़ोन में वाईफाई चालू नहीं हो रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब सबसे नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर रीसेट नेटवर्क सेटिंग या रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, आपके फ़ोन का वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड डालकर रीसेट कर देना है। तो अब हम बैक आते हैं, आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही सेटिंग में आएंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है रीसेट। तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से आसानी से रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं। तो इतना कर लेने के बाद अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो अब हम वाईफाई को ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया, इस तरीके से आपका भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।